और हमारी प्रदेश सरकार की कभी भी मंशा नहीं थी इसको लटकाने की, क्योंकि पूर्व की कांग्रेस सरकारों ने बहुत काम किया है इसमें। साल 2023 के अगस्त महीने में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने हाथी समुदाय को एसटी दर्जा देने को लेकर अधिसूचना जारी की। इसके बाद गिरिपा इलाके के लोगों को प्रदेश सरकार की अधिसूचना का इंतजार था, लेकिन अब ये इंतजार भी खत्म हो गया है। लंबे इंतजार के बाद पहली जनवरी 2024 को गिरिपार इलाके के लोगों को एसटी दर्जा देने के लिए सरकार ने मंजूरी दी। इसको लेकर अधिसूचना भी जारी की गई है। इस दौरान प्रदेश सरकार में उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान गिरिपार इलाके के प्रतिनिधियों से मुलाकात की। इस दौरान उद्योग मंत्री ने भाजपा पर इस मामले में राजनीति करने का भी आरोप लगाया। जो है एक अहम फैसला लिया है बहुत लंबे अरसे से, ट्रांसगिरी क्षेत्र जिला सिरमौर का जो एरिया है जिसमें शिलाई चुनाव क्षेत्र है, रेनका चुनाव क्षेत्र है, राजगढ़ की पूरी तहसील है और पौंटा विधानसभा क्षेत्र का आंज भोज का क्षेत्र है, उन सब लोगों की बहुत लंबे अरसे से मांग थी कि इस क्षेत्र को एसटी क्षेत्र घोषित किया जाए। केंद्र सरकार ने 14 सितंबर 2022 को कैबिनेट ने जो है उसको स्वीकृति प्रदान की थी और लोकसभा में दिसंबर 2022 को पास किया गया और उसके बाद राज्यसभा में ये बिल आया और अगस्त के महीने में राज्यसभा अगस्त 2023 में इस बिल को केंद्र ने राज्यसभा से पास किया और उसके बाद इसकी नोटिफिकेशन हुई। नोटिफिकेशन जब हिमाचल प्रदेश सरकार को आई तो और लॉ डिपार्टमेंट को एग्जामिन करने के लिए भेजा गया तो लॉ डिपार्टमेंट में उसने कहा कि क्योंकि जो बिल राज्यसभा और लोकसभा में पेश किया था और हिमाचल सरकार ने प्रपोजल भेजा था उसमें एससीज को एक्सक्लूड किया गया था, एससीज को एसटी से बाहर रखा गया था, तो हिमाचल सरकार ने 23 सितंबर को चिट्ठी लिखी और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से निवेदन किया कि उसमें हमारे को क्लैरिफिकेशन की जाए हमें क्या करना है। मगर उसके बाद फिर रिमाइंडर लिखा, मगर मुख्यमंत्री जी के प्रयासों से मुख्यमंत्री जी ने खुद ट्राइबल मिनिस्टर से बात की, लॉ मिनिस्टर से बात की और मैं खुद भी ट्राइबल मिनिस्टर से मिला और हमारा गिरिपार हाटी कल्याण मंच के अध्यक्ष का और प्रतिनिधि मंडल भी 28 तारीख को ट्राइबल मिनिस्टर से मिला। हमने सारी बात की, उनको रिक्वेस्ट की कि ऐसे ऐसा है तो उन्होंने 30 दिसंबर को जो है वो हिमाचल सरकार को उन्होंने 30 सितंबर की शाम को क्लैरिफिकेशन करके हिमाचल सरकार को भेजा। 30 दिसंबर को जो है क्लैरिफिकेशन करके भेजा है क्योंकि 31 तारीख को संडे था और जैसे मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि मुख्यमंत्री जी ने भी कहा था और मैंने भी कहा था कि जैसे क्लैरिफिकेशन आएगी विद इन 24 आवर्स इसको इम्प्लीमेंट कर दिया जाएगा। आज कैबिनेट में ने उसको मंजूरी की है और विद इन अ वेरी शॉर्ट स्पैन उसको जो है इम्प्लीमेंट करके आज ट्रांसगिरी क्षेत्र के जो लोग हैं उनको लंबे अरसे से मांग चली आ रही थी उसको पूरा किया है। इस मुद्दे पे बहुत सारे विशेष करके भारतीय जनता पार्टी और हाटी समिति के जो लोग हैं कुछ लोग हैं उन्होंने राजनीति खेलने की कोशिश की और प्रदेश सरकार पे समय समय पर जो है गाली गलौज भद्दी टिप्पणियाँ करना, नारे मारना और अभद्र भाषा का इस्तेमाल करने का प्रयास किया है जो कि हमारी पहाड़ी संस्कृति में कभी भी नहीं होता है। मगर संस्कृति के विपरीत क्योंकि ये राजनीति खेल रहे थे और हमारी प्रदेश सरकार की कभी भी मंशा नहीं थी इसको लटकाने की, क्योंकि पूर्व की कांग्रेस सरकारों ने बहुत काम किया है इसमें। मैंने खुद विधानसभा में इस मुद्दे को 2 बार विधानसभा से पास कराया, वीरभद्र सिंह जी द्वारा जो है वो एंथ्रोग्राफी रिपोर्ट जो है वो बनाई गई थी और ठीक है भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई उन्होंने भी इसमें काम किया है और केंद्र सरकार ने भी इस पर विधिवत मोड़ लगाई, हम धन्यवाद करने जाएंगे। और हमने समय समय पे लोगों को कहा कि इस पर राजनीति नहीं करो, कांग्रेस की सरकार की कोई मंशा इसको लटकाने की नहीं, जो त्रुटि है कमी है उसको तो केंद्र सरकार उसको क्लैरिफाई करे, क्योंकि जो ये ट्राइबल है ये स्टेट सब्जेक्ट है नहीं है, ये केंद्र का सेंट्रल सब्जेक्ट है, इसमें प्रदेश सरकार एक अक्षर उसमें ऐड नहीं कर सकती, एक अक्षर उसका काट नहीं सकती है, जैसा केंद्र सरकार उसको भेजेगी हिमाचल सरकार को वैसे लागू करना पड़ता है। मगर त्रुटि थी कमी थी, आज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्लैरिफाई करके भेजा, तुरंत हिमाचल सरकार ने उसको लागू कर दिया है। मैं सभी ट्रांसगिरी क्षेत्र के लोगों को बहुत बहुत बधाई दूंगा और विशेष करके उन लोगों को कि जो जिन्होंने इसकी शुरुआत की थी, ये 1970, 72, 74, 80 से लेकर के बहुत सारे लोगों ने इसकी शुरुआत की है, आज हमने अपनी मंजिल हासिल की है। सभी लोग जो इस लंबे सफ़र में हाटी के इस
लंबे सफर में सब लोगों ने संघर्ष किया, मेहनत की, आज सब बधाई के पात्र सर है। वो तो जो आपदा राहत की राज्य जिला स्तर की जो सम्मेलन है उसमें उन्होंने जो जिन जिन लोगों को नुकसान हुआ उनको राशि बांटनी है ये मुख्यमंत्री, मगर वहाँ पे हमारे जो हमारे हाटी समिति के लोग हैं, हमारे ट्रांसगिरी हाटी कल्याण समिति के लोग हैं, हम विधिवत रूप से मुख्यमंत्री जी का स्वागत भी करेंगे, उनको सम्मानित भी करेंगे और उनका दिल की गहराइयों से हम सभी लोग हाटी लोग जो है नाहन में उनका धन्यवाद भी करेंगे।